हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलून फैक्ट। गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आज हम रेड कलर को नेचुरल कलर यानी कि डार्केस्ट शेड में कैसे लाएंगे आज हम सीखेंगे। क्योंकि गाइस, रेड कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बहुत जिद्दी कलर होता है वो, बिल्कुल मतलब आप उस पर प्री लाइटनर भी करोगे ना तो इतने ईजिली तरीके से नहीं कटता। और आज गाइस हम इसको सीखेंगे कि कैसे आप किसी क्लाइंट को, जैसे आपने रेड कलर करा, जैसे कि आपने आज ही किया, उन्हें पसंद नहीं आया और आपने उनको कलर चेंज करना है, और जैसे कि पुरानी क्लाइंट ने रेड कलर कराया था उनको कलर चेंज करना है। और दिक्कत क्या आती है गाइस हमें, कभी भी जब हम रेड कलर या फिर कोई सा भी कलर को मतलब हम कट करके मतलब नेचुरल नंबर लगा देते हैं ना, जैसे कि हमने न्यूट्रल बेस शेड लगा दिया, जैसे कि क्लाइंट के रेड कलर के बाल हैं उनको 4 या 5 नंबर का बाल चाहिए, तो आपने 5 नंबर का ट्यूब लेके 20 वॉल्यूम में डिपॉजिट कर दिया उन रेड वाले हेयर पे। लेकिन वो उस टाइम तो कलर आपका आ जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे वॉश होता चला जाएगा। आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि आपको रेड कलर को कैसे न्यूट्रलाइज करके आपको एक बेस शेड में चेंज करना है। बेस शेड मेरा मतलब कि हल्का सा मतलब सनलाइट में थोड़ा ब्राउन कलर दिखे। तो गाइस, आज इस वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से हम रेड को कट करके एक बेस टोन में लेकर आएंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो रेड कलर है काफ़ी ज़्यादा रेड स्टोन में, ये प्रॉपर रेड कलर है। ये कोई मतलब फंकी रेड कलर वाला नहीं है जो स्टिक्स का फंकी कलर आते हैं, ये प्रॉपर रेड ऑरेंज कलर है जिसमें हमने पूरा, जैसे कि आप मान लीजिए लोरियल का मैजिक कंट्रास्ट टाइप का, ये मैजी रोज मैजिक कंट्रास्ट आते हैं ना, सेम वैसा ही कलर है ये। और इस पे देखिए प्रॉपर पूरा रेड कलर है, उसको हमें करना है न्यूट्रल शेड यानी कि एक नेचुरल शेड करनी है। और गाइस, इसको नेचुरल शेड करने के लिए उस सबसे पहले हम लेंगे ब्लॉन्डर। और गाइस, इतनी रेड स्टोन अगर आप डायरेक्ट कलर ट्यूब से कट कर रहे हो ना तो आप भूल जाओ, बिना ब्लॉन्डर के ये रेड कलर नहीं कटेगा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर ब्लॉन्डर भी करूँगा ना तो बीच में कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, आपको भी पता चले कभी भी अगर आप रेड स्टोन को कट करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो गाइस, 40 वॉल्यूम ब्लॉन्डर लेना है, क्योंकि गाइस जब आप 20 वॉल्यूम लोगे ना तो उतना ज़्यादा रेड और ज़्यादा बाहर आएगा। अगर किसी ने रेड कलर को कट किया हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको भी यही प्रॉब्लम फेस हुई थी। अगर हम जब किसी कलर को कट करते हैं ना तो वो पहले वही कलर ना पहले वो वापस आता है, बाहर ही आता है। जैसे कि अगर आप रेड को आप कट करेंगे ना तो आपका ना वो रेड और ज़्यादा वापस बाहर आएगा, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट आपने जो डाले हैं वो पहले वो बाहर निकलेंगे, फिर वो बाहर जब वो क्यूटिकल्स के ऊपर जब जमा हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा वो विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, और हमें लगता है कि कलर कटने की जगह और ज़्यादा कलर उसकी वाइब्रेंसी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा सा और वेट करना होता है तो कलर अच्छे से प्रॉपर कट जाता है। लेकिन जो ये रेड कलर है, रेड कलर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कट होता है गाइस, मैं आपको बता दूं। और अगर आपकी क्लाइंट ने जैसे आज कलर कराया ना रेड कलर और उनको कट कराना है कल, तो गाइस मैं तो आपको कहता हूँ कि नेक्स्ट डे उसको कट मत करिएगा, क्योंकि बाल इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको कट करने के लिए ना प्री लाइटनिंग अच्छे से लगानी होती है, जिससे कि किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, और प्री लाइटनिंग लगाने के बाद भी आप देखना कि प्रॉपर आपको मतलब जो येलो ऑरेंज या येलो अंडरकोट होता है वो अचीव नहीं होता, कॉपर में अंडरकोट अचीव होता है। तो अगर आपने आज किया है ना तो कल कट करोगे तो गाइस आपको कॉपर भी मुश्किल से अचीवमेंट होगी अंडरकोट की। तो आपको क्या करना है, उनको गैप देना है, मतलब कम से कम 15 दिन का तो गैप देना ही देना है, तब जाके उस कलर को कट करें। सेम डे पे कलर कट मत करना, क्योंकि सेम डे पे करोगे तो आपको प्री लाइटनिंग ज़्यादा देर तक लगाने पड़ेगी, वो ओवर प्रोसेस होगा, बालों की इलास्टिसिटी कम होगी और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बालों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और गाइस ये देखिए, आफ्टर 45 मिनट्स बाद भी देखिए प्रॉपर तरीके से जो मेरे को अंडरकोट मिला है वो येलो ऑरेंज नहीं मिला है, देखिए ऑरेंज टोन इस बालों में आ रही है और हमें नेचुरल शेड की तरफ जाना है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको अब ट्यूब से न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि जस्ट रिफ्लेक्शन सी रह गई है, रेड पूरा तरीके से उतर चुका है, कॉपर टोन में वो चेंज हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ कलर ट्यूब से ही न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो गाइस इसको मैं वॉश करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का अंडरकोट अचीव हुआ। गाइस ये देखिए प्रॉपर कॉपर कलर आया हुआ है, ये क्रैक कहा वो रेड कलर था, रेड जैसे ही उतरा
ये कॉपर में चेंज हो गया, क्योंकि ब्लॉन्डर जो है येलो पिगमेंट को बाहर निकालता है और रेड और येलो आपस में मिक्स हो गए तो कॉपर बन गया। और आपको दिख रहा होगा एक 4 नंबर लिया, एक 6.1 नंबर लिया, एक ब्लू कटर लिया, इसको कैसे मिक्स करना है गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए गाइस पहले तो मैंने लिया 6.1 ताकि इसमें 0.1 जो है वो हमारा ऐसा यानी कि ब्लू वो कॉपर को न्यूट्रलाइज करेगा। और 4 नंबर हम ले गए क्योंकि हमें नेचुरल शेड की तरफ जाना है, न्यूट्रल शेड की तरफ, तो एक शीट तो आपको डालनी ही डालनी है। दोनों का मिक्सिंग रेशियो आधा आधा रखना है, अगर ज़्यादा ब्राउन टच चाहिए तो 6.1 ज़्यादा डाले, नेचुरल शेड चाहिए थोड़ा वो टिन टोन सा तो आप बराबर बराबर शेड रख सकते हो। ये ब्लू कटर मैंने लिया है क्योंकि ऑरेंज जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए एक डॉट मैंने ब्लू कटर लिया, कटर आपको बिल्कुल थोड़ा ही डालना होता है। और आपको 20 वॉल्यूम में गाइस डिपॉजिट करना है, क्योंकि गाइस मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो डिपॉजिट करना होता है वो हमेशा 20 वॉल्यूम में ही करना होता है, या फिर आप 10 वॉल्यूम में कर सकते हैं। कलर को गाइस आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और कलर जब तक अच्छे से मिक्स ना हो तब तक आप एप्लीकेशन मत करना, क्योंकि बालों पे काफ़ी ज़्यादा पैच आ सकते हैं। और गाइस ये देखिए जो वो रेड कलर था ना वो पूरा प्रॉपर एक मतलब बोलते हैं ना ब्लडी रेड, उस तरह का कलर था। उसको डायरेक्ट कलर ट्यूब से हम अगर कवर करते ना वो हो भी जाता, तो उसमें कोई ना कहीं टिंट रहता है रेड का, और रेड का टिंट रहता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रेड का टिंट इतना बेकार भी नहीं लगता, मतलब टोन जो दिखती है टिंट टोन फेड। लेकिन गाइस वो तुरंत हर वॉश में वो फेड होता है, वो तीन वॉश में ही वो वापस आ जाता है, इसकी गारंटी है। अगर आपने किया होगा तो आपको पता भी होगा कि कभी भी रेड कलर या कोई सा भी अदर फैशन शेड को हम डायरेक्ट ट्यूब से दबाते हैं तो वो कलर वापस आ जाता है। अगर ये बात आपके साथ हुई भी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गाइस आफ्टर 35 मिनट्स बाद देख सकते हैं कलर डार्क हो चुका है, और आफ्टर वॉश के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। ये देखिए ये एक बेसिक न्यूट्रल शेड हो चुका है, अगर गाइस इसको मैं सनलाइट की तरफ भी ले जाऊँगा तो हल्का सा ब्राउन टच दिखेगा। तो गाइस इसमें आप ध्यान से देखिए आपको भी इसमें ब्राउन टच दिखेगा, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं करा हमने, एक न्यूट्रल बेस शेड डाला है, जैसे कि 4-5 का हेयर होता है एक वैसा शेड डाला है। देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहाँ वो इतना रेडिश टोन थी और कहाँ ये न्यूट्रल शेड है। तो आप कमेंट करके मुझे गाइस ज़रूर बताना कि आपको ये शेड कैसा लगा। गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल शेड आई हुई है, कहीं भी मतलब एक जो रेडिश टोन रिफ्लेक्शन होती है वो एक वाइब्रेंसी में नहीं दिख रही है, एक रेडिश टोन जो है वो एक ब्राउनिश टोन में चेंज हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रही है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आती है तो आप भी इसी तरीके से उनका रेड कलर को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अगर वीडियो में थोड़ा बहुत येलो आपस में मिक्स हो गया तो कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, उस कमेंट का जरूर आंसर दूंगा। और गाइस अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।